नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो हम तमिलनाडु में बस का सफ़र करने वाले हैं, उसका होने वाला है। पूरा वीडियो देखें, आपको पूरी जानकारी इस सफ़र की मिलने वाली है। वैसे मैं अभी रामेश्वरम में हूँ, और ये रामेश्वरम का बस स्टैंड है, और ये सब तमिलनाडु गवर्नमेंट की बसें हैं। तो यहाँ से हम त्रिची तक, त्रिचिरापल्ली तक हम जाने वाले हैं। तकरीबन 6-7 घंटे का ये सफ़र रहने वाला है। बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ में इस सफ़र को एंजॉय करें। और ये आज की हमारी बस रहने वाली है आज के इस सफ़र में, जो हमें यहाँ रामेश्वरम से त्रिची तक लेके जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं, बस में बैठते हैं और इस सफ़र को शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ में इस सफ़र का एंजॉय करें। आज का हमारा सफ़र रामेश्वरम से शुरू हो चुका है। बस हमारी बस स्टैंड से बाहर मेन रोड पे आ चुकी है, और ये रामेश्वरम का बस स्टैंड के बाहर का व्यू। पूरा वीडियो देखें, बहुत ही शानदार ये सफ़र हमारा होने वाला है, और आपको तमिलनाडु के नज़ारे इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बने रहें पूरे वीडियो में और मेरे साथ इस पूरे ट्रिप को आप भी इंजॉय करें। और ये हमारी बस तमिलनाडु गवर्नमेंट की बस। कुल मिला के अच्छी बसें तमिलनाडु रोडवेज में हैं, जो लॉन्ग रूट की चलती हैं वो थोड़ी और ज़्यादा अच्छी हैं, और जो छोटे रूट पे चलती हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे तमिलनाडु को क्रॉस किया। ये हमारी बस के कंडक्टर जो हमें अभी टिकट दी है, त्रिची तक की 208 रुपए की टिकट है। अभी ज़्यादा सवारियां नहीं हैं, आगे शायद सवारियां हो जाएंगी। बने रहें पूरे वीडियो में। और ये अभी हम पंबन ब्रिज पे आ चुके हैं। पंबन ब्रिज हमें रामेश्वरम को बाकी तमिलनाडु से जोड़ता है, जिस पे हम चल रहे हैं। ये ब्रिज जो गाड़ियां चलती हैं, रोड बनी हुई है, और इसी के साथ में नीचे आप देखें तो नीचे कुछ क्रेन आपको दिखाई दे रही हैं। तो ये रेल का ब्रिज बन रहा है और पहले से बना हुआ है, जिसपे एक ट्रेन जाती है, एक ही लाइन है। लेकिन अभी जो काम चल रहा है उसमें दो ट्रैक बनने वाली हैं, जो नया ब्रिज होगा जिसका काम चल रहा है, और वो होपफुली अगले साल तक पूरा हो जाएगा, जो रामेश्वरम को बाकी भारत से या तमिलनाडु से जोड़ता है। तो एक तो ये रोड का ब्रिज हो गया और नीचे ट्रेन का ब्रिज, ये दोनों ब्रिज से हम रामेश्वरम जा सकते हैं। और तकरीबन 2 किलोमीटर से थोड़ा सा ज़्यादा ये ब्रिज है जो हमें रामेश्वरम लेके जाता है और वापस लेके आता है। तो रोड जो है जिस पे हम चल रहे हैं, ये दो ट्रैक है आने का जाने का, लेकिन ट्रेन का एक ही है जिस पे ट्रेन आ सकती है या जा सकती है। लेकिन जो साथ में दूसरा जो काम चल रहा है उसमें दो ट्रैक का काम चल रहा है, और होपफुली वो अगले साल तक हो जाएगा। और ये आपके सामने जो नीचे जो आपको दिखाई दे रहा है, ये ब्रिज ओपन होता है, रेल का जो ब्रिज है ये यहाँ से ओपन होता है, और यहाँ से कुछ सीप जैसे बड़े सीप निकालने हो तो उसके लिए ये व्यवस्था की हुई है।
लेकिन ये जिस ब्रिज पे हम चल रहे हैं, जो रोड जो है वो काफी हाइट पे है, तो उसके नीचे से सीप आराम से जा सकता है। लेकिन रेल का जो ब्रिज है वो बिल्कुल समुद्र के नजदीक में ही है, ज्यादा हाइट नहीं है, तो वहां जो बीच में एक जगह उसको ओपन करने का सिस्टम बना रखा है, तो किसी बड़े शिप को निकालना हो तो उस टाइम उसको ओपन करते हैं, और बाकी नीचे रहता है तो उस पर ट्रेन आती जाती है। रामानाथनपुरम को रामनाद भी बोलते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, और रामेश्वरम इसी डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये पूरा यहाँ का बस स्टैंड का व्यू है। थोड़ी देर बस यहाँ रुकेगी और फिर हम आगे के लिए निकलेंगे। और ये देवी पाटिनम का बस स्टैंड था, जहाँ से अभी बस वापस बाहर निकल आई है। एक मिनट का अंदर से एंट्री किया और बाहर आ गई, तो वापस अपने रास्ते पे हम लोग चल पड़े हैं। और बारिश हुई है तो सब जगह पानी इकट्ठा है, बहुत सारी जगह पे रोड की साइडों में पानी इकट्ठा हो रहा है। बाकी ये देखें आप यहाँ का व्यू, ये रियल तमिलनाडु, ये देखें आप। थेरु वेदनाई था, जो तकरीबन 100 किलोमीटर रामेश्वर से चल के आने के बाद ये गांव आया है। और यहाँ से आगे अभी 130 किलोमीटर और रह गया हमारा त्रिची, और ये सफ़र हमने दोबारा शुरू कर दिया है। बने रहे पूरे वीडियो में। और एक और टोल जो हमने अभी क्रॉस कर दिया, बसें यहाँ पर नहीं रुक रही हैं, शायद बसों का टोल नहीं होगा ऐसा लगता है। पिछले टोल पे बस रुकी नहीं थी और यहाँ भी सीधी निकल गई है। और ये अभी हम देवाकोटई आ गए हैं। ये देवाकोटई का बस स्टैंड के बाहर का व्यू है।
यहाँ देवाकोटई से त्रिची अभी 100 किलोमीटर 105-107 किलोमीटर रह गया है। ये देवाकोटई का बस स्टैंड के अंदर का व्यू है। देवाकोटई का बस स्टैंड, ज्यादातर लोग यहाँ पर चप्पल पैर में नहीं डालते हैं और ये अब्दुल कलाम साहब जो यहाँ के तमिलनाडु के थे, अभी काराकुड़ई पहुंचे हैं और यहाँ से अभी तकरीबन 90 किलोमीटर रह गया। ये हमारी बस है जो हमें त्रिची तक लेके जाने वाली है और ये काराकुड़ई का बस स्टैंड। और ये हमारी बस, बड़े रहे पूरे वीडियो में और मेरे साथ में एंजॉय करते रहें। और ये पोडाकोटई का बस स्टैंड आ गया है। पोडाकोटई तमिलनाडु का एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और बस यहाँ रुकी है तो बहुत सारे वेंडर गाड़ी के अंदर आ गए हैं सामान बेचने के लिए। उनकी आवाज़ ज़्यादा आ रही है।
तो इस तरह से हमने ये सफ़र यहाँ तक पूरा किया। ये हमारी बस थी जो हमें उतार दिया यहाँ पे बस स्टैंड पे और ये चली गई है। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो यहाँ तक देखा। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।